हवेली पर। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और मज़े में होंगे। कंपनी लोग की क्वेश्चन सीरीज हम कर रहे थे अभी तक, इसी क्वेश्चन सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज मैं आपके लिए 100 टाइप क्वेश्चंस का पार्ट टू लेकर आ गया हूँ। पार्ट वन में हमने पिछली क्लास में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर कर लिए थे और आज पार्ट टू में बचे हुए क्वेश्चन हम कवर कर लेंगे। 100% यहाँ से क्वेश्चन आपको मिलेंगे ही, तो आप इस बात की टेंशन ना लें, वीडियो को पूरा देखा करें और आप सारे क्वेश्चन ढंग से किया करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक ज़रूर किया करें और कमेंट भी किया करें अगर आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे कोई वीडियो चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहला क्वेश्चन कि प्रमोटर्स के फंक्शन क्या क्या होते हैं, तो मैं बता दूँ, प्रमोटर वो आदमी होता है जो कंपनी का रजिस्ट्रेशन करने की जो इनिशियल स्टेज है उसको कंप्लीट करता है, उसको प्रमोटर कहते हैं। तो वो कंपनी का नाम डिसाइड करेगा, वो कंपनी क्या क्या बिजनेस करेगी, क्या क्या उसका ऑब्जेक्टिव होगा, तो वो सारी चीज़ों के बारे में वो सोचेगा। ये क्वेश्चन और नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है प्रिलिमिनरी स्टेप्स क्या क्या होंगे, दोनों का हम एक जैसा आंसर लिख सकते हैं। आप जल्दी से देख लीजिएगा, आंसर यहाँ पर लिखा हुआ है और उसी के अकॉर्डिंग आप कर लीजिएगा। स्क्रीनशॉट ले लें या बाद में पोज कर करके वीडियो को देखते रहें, मेरे साथ साथ भी चलते रहें, क्योंकि बीच बीच में जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं एक्सप्लेन भी करूँगा। तो केवल इसी चीज़ में ना रहें कि आप स्क्रीनशॉट ही ले लें और मेरी बातों को ना सुने। मैं बीच बीच में बताता भी रहूँगा कि क्या इंपॉर्टेंट है और वीडियो के लास्ट में आपको कुछ टिप भी दूंगा कि किस तरीके से आप क्वेश्चन पेपर में अटैम्प्ट करें, तो लास्ट तक ज़रूर बने रहें। साथ में ये इस तरीके का क्वेश्चन आ सकता है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का क्वेश्चन पूछ सकता है कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या है। ये कंपनी का चार्टर डॉक्यूमेंट होता है जो कंपनी की बाउंड्री डिसाइड करता है कि कंपनी किस तरीके से लोगों से कनेक्ट करेगी, आउटसाइडर के साथ कंपनी किस तरीके से कनेक्ट करेगी, वो सारी बातें ये बताता है। ठीक है, उसके बाद में कि क्या मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बनाना हमें कंपलसरी है। देखिए, कंपनी एक 2013 ने कुछ टेबल्स दे रखी हैं, या तो हम उन टेबल के हिसाब से जो स्केड्यूल वन में टेबल दे रखी हैं उनके हिसाब से जो फॉर्मेट दे रखे हैं, या तो हम उन्हीं को एज इट इज़ ले लें या फिर हम अपनी नीड के हिसाब से बना सकते हैं। या साथ में क्वेश्चन है कि क्या कंपनी अपने रजिस्टर्ड ऑफिस को चेंज कर सकती है। देखिए, जनरली कोई भी कंपनी अपने रजिस्टर्ड ऑफिस को चेंज नहीं कर सकती है, लेकिन कुछ सिचुएशन में वो उसको चेंज कर सकती है जो आपके सामने लिखी हुई हैं। तो किस तरीके से शिफ्टिंग होगी वो आप यहाँ से रीड आउट कर सकते हैं। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन दोनों बहुत इम्पोर्टेंट हैं, इनको तो आप 100% अच्छे तरीके से करके जाएं, बड़े क्वेश्चंस में भी और छोटे क्वेश्चन में भी, और इन दोनों में डिफरेंस भी। ठीक है बच्चों, उसके बाद में डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। डॉक्ट्राइन मतलब एक तरीके से चेकअप करना इंडोर मैनेजमेंट का कि क्या सब सही चल रहा है या नहीं चल रहा है, जो राइट्स और बाउंडेशन बनी हुई हैं उनके विद इन द बाउंडेशन काम हो रहा है या उनके हम आउटसाइड जा रहे हैं। इसी तरीके से एक्सप्लेन द डॉक्ट्राइन ऑफ द अल्ट्रा वायरस ट्रांजेक्शन का डॉक्ट्राइन करना मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आ सकता है, तो इसको जरूर आप ढंग से याद कर लें। उसके बाद राइट अ नोट ऑन द कमिसमेंट ऑफ द बिजनेस की बिजनेस स्टार्ट करने के बारे में आपकी क्या राय है उसके बारे में लिखे। तो देखिए, याद रखें, सबसे पहले कंपनी कमिसमेंट ऑफ बिजनेस से पहले कंपनी को लेना पड़ता है इनकॉर्पोरेशन का सर्टिफिकेट, और इनकॉर्पोरेशन का सर्टिफिकेट ले लें के बाद में कंपनी को कमिसमेंट ऑफ बिजनेस का सर्टिफिकेट मिलता है। जनरली जो प्राइवेट कंपनी है वो कमिसमेंट ऑफ बिजनेस से पहले ही, यानी कि इनकॉर्पोरेशन का सर्टिफिकेट मिलने के बाद ही अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकती हैं, लेकिन जो पब्लिक कंपनियाँ हैं उन वो इनकॉर्पोरेशन का सर्टिफिकेट लेने के बाद जब तक कमिसमेंट का सर्टिफिकेट नहीं ले लेती हैं वो अपना बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकती हैं। साथ में प्री इनकॉर्पोरेशन से, यानी कि प्री इनकॉर्पोरेशन का मतलब है इनकॉर्पोरेशन होने से पहले, जब कंपनी रजिस्टर्ड नहीं हुई है उससे पहले अगर हमने कोई कॉन्टैक्ट किया है तो उसके लिए हमारी क्या क्या जिम्मेदारी होंगी, तो उनके बारे में लिखा हुआ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, तो इसको भी ढंग से कर लें। नेक्स्ट में है प्रोस्पेक्टस क्या होता है। देखिए, प्रोस्पेक्टस एक डॉक्यूमेंट होता है, वो सारी कंपनियां प्रोस्पेक्टस इशू करती हैं जो मार्केट से पैसा उठाती हैं या मार्केट में अपनी सिक्योरिटी बेचती हैं, अपने शेयर्स बेचती हैं, अपने डिवेंचर बेचती हैं, तो उन्हें सारी चीज़ों की डिटेल एक डिटेल देनी पड़ती है, पूरा डिटेल डिस्क्रिप्शन देना होता है जो वो सारी चीज़ें प्रोस्पेक्टस में लिखते हैं। तो बड़ा ही नेसेसरी डॉक्यूमेंट है, इसको इशू किए बिना कोई कंपनी शेयर इशू नहीं कर सकती है। इसके बाद है सेल्फ प्रोस्पेक्टस। जनरली कुछ कंपनियां ऐसी होती हैं जो प्रोस्पेक्टस है, प्रोस्पेक्टस को इशू करने में काफ़ी ज़्यादा खर्चा होता है, ये एक बड़ा प्रोसीजर है, तो ये सेल्फ प्रोस्पेक्टस जो हमारा कॉन्सेप्ट है इसके हिसाब से कुछ ऐसी कंपनियां हैं जिनको बताया गया है कि इन स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज़ के केस में आप प्रोस्पेक्टस इशू ना करके उसकी जगह जो सेल्फ प्रोस्पेक्टस है उसको आप इशू कर सकते हैं। जनरली जो बैंकिंग कंपनियां हैं, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, वो इस तरीके का प्रोस्पेक्टस कुछ सर्टेन सिक्योरिटी के केस में इशू करते हैं। उसके बाद है कि प्रोस्पेक्टस, जनरली ये टाइप्स ऑफ प्रोस्पेक्टस चल रहे हैं, तो टाइप्स ऑफ प्रोस्पेक्टस भी आप अच्छे से पढ़ लें, या शॉर्ट में भी पूछ सकता है, लॉन्ग में भी पूछ सकता है कि टाइप्स ऑफ प्रोस्पेक्टस क्या होते हैं। ठीक है,
डीम्ड प्रोस्पेक्टस के बारे में जैसे यहाँ लिखा हुआ वो क्या क्या होता है, यहाँ से आप रीड कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द ट्रांसफर एंड द ट्रांसमिशन ऑफ शेयर, ट्रांसफर और ट्रांसमिशन ऑफ शेयर में क्या डिफरेंस है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको तो बहुत अच्छे से रट ही लें। इसके बाद टाइप ऑफ प्रोस्पेक्टस का एक और क्वेश्चन हमारे सामने आ गया, व्हाट डू यू मीन बाई रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस, रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस का क्या मीनिंग होता है, ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप बहुत अच्छे तरीके से कर लेंगे। यहाँ से भी क्वेश्चन आने की उम्मीद बहुत ज़्यादा होती है। व्हाट आर द काइंड ऑफ डिवेंचर्स, डिवेंचर्स कितने तरीके के होते हैं, तो कुछ टाइप ऑफ डिवेंचर आपके सामने लिखे हुए हैं, सिक्योर डिवेंचर, अनसिक्योर डिवेंचर, रजिस्टर्ड डिवेंचर, बियर बिरियर डिवेंचर, रिडीमेबल डिवेंचर, रिडीमेबल डिवेंचर, कन्वर्टेबल डिवेंचर। और मैं आपको बता दूँ, इसको हटा के अगर आप इनकी जगह प्रीफ्रेंस लगा देंगे तो ये काइंड ऑफ प्रीफ्रेंस शेयर्स भी हो जाएंगे। जैसे मैं उसका वैसे मैं बोल देता हूँ, उससे थोड़ा सा अलग है, जैसे हम अगर इसकी जगह क्वेश्चन आ जाए कि टाइप्स ऑफ प्रीफ्रेंस शेयर्स, तो आप लिख सकते हैं कन्वर्टेबल प्रीफ्रेंस शेयर्स, नॉन कन्वर्टेबल प्रीफ्रेंस शेयर, रिडीमेबल प्रीफ्रेंस शेयर, नॉन रिडीमेबल प्रीफ्रेंस शेयर्स, क्यूमुलेटिव प्रीफ्रेंस शेयर और न्यू नॉन क्यूमुलेटिव प्रीफ्रेंस शेयर्स, तो वो टाइप्स ऑफ प्रीफ्रेंस शेयर्स आपके हो जाएंगे। फ्लोटिंग चार्ज बिकेमा, कब कब आपका, कब आपका फ्लोटिंग चार्ज फिक्स चार्ज बन जाएगा, अच्छा क्वेश्चन है, जरूर इसको रीड आउट करें। जनरली जितने क्वेश्चन हमने यहाँ कवर किए हुए हैं वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही हैं, तो उनको स्किप करने का प्रयास ना करें, बहुत अच्छे से इनको याद कर लें, ठीक है। कब सीज हो जाएगी किसी भी पार्टनर की, किसी भी मेंबर की, जो मेंबरशिप है उसको सीज कब हो जाएगी, उसके बारे में लिखा हुआ है, स्क्रीनशॉट ले लें और फिर इसको अच्छे से याद कर लें या अपने नोट्स बना लें, वाट एवर जो आपको अच्छा लगता है, ठीक है बच्चों। होल्ड, वेट फॉर अ वाइल, ठीक है, थोड़ा सा इशू आ गया था, कोई दिक्कत नहीं है। व्हाट आर द काइंड्स ऑफ मीटिंग्स ऑफ अ कंपनी, कंपनी की मीटिंग्स से कितने काइंड्स होते हैं, वो सब लिखा हुआ है, ढंग से पढ़ लें। कोरम क्या है, ये 100% इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको तो बहुत ढंग से पढ़ें। कोरम क्या है और कोरम के लिए कितने मिनिमम लोगों की रिक्वायरमेंट होती है, वो बाद में क्वेश्चन आ जाएगा, या ये भी है कितने मिनिमम लोग कोरम में होने चाहिए तब कोरम को कंप्लीट माना जाता है। ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन और स्पेशल रिजोल्यूशन में क्या डिफरेंस है, इस क्वेश्चन को भी आप जरूर पढ़ के जाएं। और लास्ट में दो क्वेश्चन मैंने यहाँ लिखे हुए हैं, प्रोविजन रिलेटेड टू डायरेक्टर्स, या व्हाट इज़ DIN, डायरेक्टर के जो आप अपॉइंटमेंट करते हो उससे रिलेटेड आपके क्या क्या प्रोविजन है, यानी फुल टाइम और पार्ट टाइम, जो उनकी पेमेंट वगैरह आप करते हैं, कब 3% करनी है, 5% करनी है, इनका आप आंसर खुद से ढूंढ लेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों इसलिए लिखे हैं। और डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर्स की, कौन कौन डायरेक्टर डिस्क्वालिफाइड होते हैं जिनको हम एज अ डायरेक्टर अपॉइंट नहीं कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, और जितने क्वेश्चन मैंने कराए हैं आपको, इनसे बाहर आपको क्वेश्चन शायद ही मिलेगा, आपको 99% कवरेज इन क्वेश्चन की मिल गई है, तो इनको बहुत ढंग से लर्न कर लें और कमेंट जरूर किया करें, अपने सजेशन जरूर दिया करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इसी उम्मीद के साथ कि आप सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को अपने दोस्तों तक भी शेयर करेंगे। चलिए आज की क्लास को हम बंद करते हैं।